हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या हुआ नया सर, क्या हुआ? मिलिंद भैया, आप मिलिंद, तुम इनके कमरे में क्या कर रहे हो? आपका ये बेटा कैची लेके मुझे मारने आया था और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, मुझे अपने हवेली में रखकर मुझे ठीक होने में मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ खतरा लग रहा है। आप गलत मत सोचिए, आप तो CID ऑफिसर हो, आपको मदद करके हमें बहुत खुशी मिल रही है। तो फिर ये सब क्या है? अगर सही समय पर मेरी आंख नहीं खुलती तो इसने तो इस तरह तुम इस खानदान पर ऐसा इल्जाम लगाओगे? पिताजी, मैं इनको मारने नहीं आया था, ये हमारे मेहमान है और इनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। वो क्या है कि आज मेरे पास सुबह वक्त नहीं था तो मैंने सोचा कि अभी आकर इनकी पट्टियां बदल जाऊं, तो मैं इनको उठाना नहीं चाहता था, तो जैसे मैंने कैंची उठाई उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मिलिंद, वो सो रहे थे और इतनी रात को? बेटा, ये भी कोई समय है पट्टी बदलने का? और देखो, सब लोग ध्यान से सुनो, किसी भी तरह से इनको तकलीफ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है सूर्यकांत जी, ठीक है। शायद CID में होने की वजह से मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही सतर्क हूं। आप लोग प्लीज आराम कीजिए, मैं भी सोना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बास बेटा, अर्चना, दया जी ने कहा ना कि वो ठीक है और आराम करना चाहते हैं, तो चलो। सर, मैं सुबह आपकी पट्टियां बदल जाऊंगा। कोई नहीं, गुड नाइट। ओके सर।
चल। दरवाजा बंद कर दो। चल क्या रहा है यहां पर, हो क्या रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों ने मेरी जान बचाई है, मुझे मेरी टीम से मिलना है, उनसे बात करनी है, पता नहीं मुझे लेकर कितने परेशान होंगे वो लोग। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने इन्हें कहीं देखा है? भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? सर, यहां तो कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। सर, सदा ऐसा जरूर किसी मुसीबत में, वरना वो हमें जरूर कांटेक्ट करते हैं। हाँ सर, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। तो दया दया, जहां भी होगा ठीक ही होगा, हमें सिर्फ उसे ढूंढ निकालना है। भाई साहब, ये देखो, किस आदमी को देखा है आपने? हाँ, ये इनको तो चोट लगी है। हाँ, तुमने इन्हें देखा है? हाँ मैडम, देखा है ना। कब कब देखा था? कल ही इसी रोड पर देखा था, सड़क पार करके निकले थे, शायद रेल लाइन की तरफ से आ रहे थे। उसके बाद एक लड़की आई और वो सफेद कार में बैठ के निकल गए। अच्छा, उस लड़की के बारे में कुछ याद है आपको? दिखने में कैसी थी, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में आप? सर, वो उसका चेहरा तो मैंने नहीं देखा। तो दया, उस लड़की के साथ गया है? वो कौन सी गाड़ी थी, किस तरफ गई है, मतलब उसका नंबर, गाड़ी का मॉडल क्या था, कुछ देखा आपने? सर, उसका मॉडल नंबर तो नहीं है, लेकिन वो गाड़ी किस तरफ गई है वो मुझे मालूम है। किस तरफ गई है? वो फल्टन की तरफ गई। फल्टन, चलिए चलो। क्या बात, इतने बड़े महल में एक भी फोन चल नहीं रहा? नहीं चलता ऑफिसर, इस हवेली में कोई फोन नहीं चलता, ना लैंडलाइन ना कोई सेल फोन। मगर क्यों? मैं अपनी टीम के मेंबर से कांटेक्ट करना चाहता हूं, और मैं इस हालत में नहीं हूं कि यहां से बाहर जा सकूं, और पता नहीं वो मेरा सेलफोन कहीं खो गया है। सर, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हवेली के सारे फोन लाइन्स और सिग्नल बंद कर दिए गए हैं। सर, एक बार आप ठीक हो जाइए, फिर बाहर जाकर फोन लगा लीजिएगा, और तब शायद आप हमारी मदद भी कर पाए। अर्चना, दया सर को इस हवेली में उनकी मदद के लिए लाई हो, उनसे मदद मांगने के लिए नहीं।
अर्चना चुपचाप नाश्ते के लिए बैठ जाओ। सर आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। हाँ नहीं शुक्रिया, पता नहीं वो मन नहीं कर रहा मेरा, मैं कमरे में जाता हूँ। भोला दया सर का नाश्ता और इनकी सारी दवाइयाँ इनके रूम में पहुँचा दो। जी सरकार सब पहुँचा दूंगा। ये आवाज कैसी? वो क्या है कि कुछ नहीं सर, हवेली में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, शायद कोई मजदूर होगा। ये सब लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं मुझे। ठीक है यहाँ इस हवेली में आया कैसे? पूरा खानदान तो वहां डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, तो फिर ये खाना किसके लिए लेके जा रहा है? और जिस तरह से खाना लेके जा रहा है ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी मजदूर के लिए। इस हवेली में कोई खिचड़ी पकड़ेगी है, पता करना पड़ेगा। क्या हुआ आपको? पीछे हटिए पीछे हटिए। ये क्या क्या साहब आपने? इसका तो खून बह रहा है। एम्बुलेंस जल्दी कपाली रोड पे आ जाइए। इसे तो गोली मारी है। अबू भाई पहले तो गोली मार ली। सर गोली उस तरफ से चली है, खूनी भी शायद वहीं होगा। लेकिन श्रेया देखो आसपास। अरे हाथ तरफ अपना नागेश है। ये तो नागेश है। अरे इसको अरे तो नागेश ही है। ऐसा कैसे हो गया? सर मुझे कहीं लेकर मत जाइए सर, मैं नहीं बचूंगा सर। उसे बचा लीजिए सर, उसे। किसे किसे? उर्मिला सर, उर्मिला को बचा लीजिए सर, उर्मिला। अरे उर्मिला तो इसकी बाइको है। नागेश 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 सर सही तो नहीं रहा? पंकज लोकल पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करो, तब तक बॉडी के पास रहो। प्लीज सर लगता है खूनी गोली मार के भाग गया। इसका घर कोई जानता है? हाँ हाँ मालूम है। भगवान मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? और ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं नींद में हूँ। सर घूम रहा है। और ये घर वाले ये सारे फोन लाइंस जाम कर क्यों रखा है इन लोगों ने? कि ये लोग मेरे साथ कुछ कर तो नहीं रहे? और वो आवाज जो मैंने सुनी थी लगता है इस हवेली में इन लोगों के अलावा कोई और भी है। अरे सब तैयार हुए कि नहीं? शादी में शगुन लेके जाना है। लगता है घर में सब शादी में जा रहे हैं।
यही मौका है। अरे क्या हुआ साहब, कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं देख रहा था तुम अभी तक आए क्यों नहीं। मैं आ गया साहब। लीजिए दवाई लीजिए, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। क्या हुआ साहब, दवाई लीजिए लीजिए ना। लीजिए। कहां से आ रही थी और मरम्मत का कोई काम चल भी रहा है या नहीं। प्यास लगी थी मुझे तो पानी चाहिए था, आसपास कोई दिखा नहीं तो मैं खुद बाहर निकला। ये लो। सुनो भाई, वो कमरे में थोड़ा पानी रख देना। जी साहब। थैंक यू। चलिए। ये रहा नागेश का घर, उसकी बाइक को अंदर ही होगी। दरवाजा खोला है? माय गॉड, पूर्वी श्रेया क्या है, कौन है ये लोग? अरे कांत, नागेश को किसी ने गोली मार दी है, ये लोग सीआईडी वाले हैं। ये इंस्पेक्टर अखिल, ये इंस्पेक्टर निखिल। हेलो अखिल। अच्छा अखिल, इस नागेश के बारे में आपको जानते हैं, आदमी कैसा था ये? सूरी के एक वार से ही गर्दन काट दी गई है। हाँ सर, हाथापाई का कहीं कोई निशान दिख तो नहीं रहा है। जरा उस लेडी को बुला के ला। कौन हो सकता है इसका खूनी? खूनी को जान पहचान वाला ही है, धोखे से मार दिया, इसको अपने आप को बचाने का टाइम भी नहीं मिला। सर आइए। देखिए जरा ये और मिला है। हाँ सर, यही उर्मिला है, खूनी मारला हिला। काय झालं साहेब? तुम्ही जरा बाहेर थांबा। सर, नागेश ने तो हमें इसे बचाने के लिए कहा था, मगर हमें देरी हो गई। पता नहीं देर हुई या खूनी नागेश के बताने से पहले ही अपना काम कर चुका था। तलाशी लो घर की।
चलो चलो देखते हैं। चलो चलो एक सेकंड बहुत बेचैन लग रहे अंदर जाने के लिए। सब ठीक है ना? हाँ सर। सर ये देखिए इतने सारे पैसे इस तरह छुपा कर रखे हुए थे। इतने सारे नोट? कहाँ कहाँ कैसे छुपा के रखे हैं सर? लेकिन इतने सारे पैसे इन लोगों के पास आए कहाँ से? वो तो पता नहीं लेकिन ये पता चल गया है ये खून लूट के लिए नहीं हुआ है कुछ और ही वजह। हाँ सर क्योंकि खूनी ने इन पैसों को छुआ तक नहीं है और घर को देखकर लगता नहीं है कि खूनी ने कुछ और ढूंढने की कोशिश भी की है। सर सर ये गहने मिले कहाँ रखे थे? यहाँ पर। सुनिए हमें इस घर से लाखों रुपए मिले हैं, जेवर मिले हैं जो बहुत कीमती हैं। आप लोग जानते हैं ये काम क्या करते थे उर्मिला और नागेश? साहब उर्मिला तो भवरी हवेली में खाना बनाने का काम करती थी। फिर ये सब इनके पास कैसे मिल गया? नागेश का ही होगा, नागेश सीमेंट की गोनियां चोरी करता था। चोरी करता था? ठीक है अभी आप लोग जाइए, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बातचीत करेंगे। सर जो आदमी आपसे बात कर रहा था नीली शर्ट वाला, ये नागेश का पड़ोसी है, मुझे तो वहाँ गड़बड़ लग रहा था, इस पे नजर रखनी पड़ेगी। अखिल yes. ये जो पैसे और जेवर हैं अंदर इनको जरा मुंबई भिजवा दो। yes. पता लगाना पड़ेगा कि पैसे आए कहाँ से और नागेश को कैसे पता चला कि उसकी बीवी का खून होने वाला है। सर हम तो यहाँ दया सर को ढूंढने आए थे और अब ये केस सामने आ गया। दया को भी ढूंढेंगे और केस भी सॉल्व करेंगे। ग्यारह बजे रोज की तरह घर के सभी लोग खाना खा के सोने की तैयारी में होंगे। तो कोई भी नहीं तो फिर नौकर नाश्ता किसके लिए लेके आ रहा था यहां? किसने जबरदस्ती उखाड़ के निकाला, मगर किसका? Thank you.
सर हमने ये खबर फैला दी है कि पैसे और गहने इसी घर में है। हो सकता है इसी लालच में उर्मिला का खून इस घर में वापस आए। सर बार बार मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, उर्मिला के पास इतने सारे गहने आए कहां से? प्रीति एक बार जांच तो हो जाने दो, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए सर, इन गहनों की जो बनावट है इसे मिनारी कला कहते हैं। ये खामर आंचल की कला है। सर इस प्रकार के गहने 17वीं ईस्वी से लेकर 1900 तक चलाए गए, उसके बाद इस प्रकार के गहने बनने बंद हो गए। लेकिन क्यों इस तरह के गहने बनने बंद क्यों हो गए? दरअसल बात यह है कि इस प्रकार के गहनों की बनावट बहुत कीमती हुआ करती थी और ऐसे गहने उस समय सिर्फ राजसी परिवार के लिए बनाए जाते थे। और उस समय आंचल में सिर्फ दो ही राजसी परिवार हुआ करते थे, एक गंगोल और दूसरा नाची। मतलब ये गहने इन दो खानदानों के हैं, गंगोल और नाची। इसी भी साहब दरअसल बात यह है कि 1950 आते आते गंगोल परिवार वहां से चला गया, लेकिन नाची परिवार अभी भी वहां है। ये देखिए सर, नाची खानदान आखिरी तक इस भंवरी हवेली में रहता था। कहीं गहने उन्हीं के तो नहीं है? इसका मतलब है उर्मिला उस भंवरी हवेली में नौकरी करती थी, काम करती थी इस नाची खानदान के पास, और फिर उन्हीं से ये गहने उसके पास आए। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक नौकर के पास, एक मुलाजिम के पास इतने कीमती गहने कैसे? बापरे मर गया सीढ़ी वाले, यहाँ बैठे हुए कल सीढ़ी वाले इन्हें नहीं पकड़ ले। भागो भागो, क्या हो रहा है? ए, कौन है तुम? क्या सर आप? तुम लोग यहाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है आप मिल गए सर। अरे यार ये क्या हाल बना रखा है तुमने, और तुम गायब कहाँ हो गए थे? कब से ढूंढ रहे हैं तुमको? अरे मैं उन दो मुजरिमों के पीछा करते करते यहाँ पहुंचा हूँ यार। वो दो आदमी जो यहाँ से भाग गए? हाँ, दरअसल अर्चना नाम की एक लड़की बेहोशी की हालत में मुझे सतारा स्टेशन से भौरी हौली में ले आई, और वहां तो मेरी जिंदगी कैद हो गई यार। ये कैसे हुआ सर? अब ये बहुत लंबी कहानी है, मगर वहां हवेली में लगता है उन लोगों ने किसी एक आदमी को कैद करके रखा हुआ है और उस पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। ये उसका उखाड़ा हुआ नाखून, और ये दो आदमी जो यहाँ से भागे हैं अभी, ये हवेली में किसी आदमी से मिलकर यहाँ पे आ रहे हैं। माय गॉड, पंकज इसको फॉरेंसिक भेजो। यार बहुत देर हो गई है, मुझे हवेली में वापस जाना पड़ेगा, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हवेली से बाहर निकला हूँ। ठीक है दे, तुम जा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दया सर आप पहले से काफी बेटर लग रहे हैं, अब आप बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, ये तो आप लोगों की सेवा और दवाइयों का असर है। वैसे मैं करीब करीब ठीक हो गया हूं। क्या खाएंगे साहब? इतने दिनों से तुम मेरे कमरे में आके जोर जबर से खिलाते रहे, तब तो कभी पूछा नहीं, अब क्यों पूछ रहा? वो इसलिए पूछ रहा है कि आप चले जाएंगे ना। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, अभी तो इन्हें ठीक होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। नहीं, इतना वक्त लगना था लग चुका, अब मैं बस यहाँ से जाऊंगा। नहीं दया सर, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और हम अपने मेहमान को ऐसी हालत में नहीं जाने देंगे। देखिए दया सर, जैसे आप इतने दिन यहाँ रहे, कुछ दिन और ही सही। दया
ड्राइवर जी। मेरा भाई। अरे अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने छोटे। क्या हो गया? अरे बाप रे, हाथ भी टूट गया, सर भी फूट गया, ये क्या हो गया? क्या हो गया देवर जी? बैठो 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 बैठो। जय प्रकाश भैया, आप लोग यहाँ? देवर जी, अगर अगर आपने अपनी इस भाभी की बात मानी होती और उस दिन घर से बाहर नहीं निकलते जिस दिन उस लाल बिल्ली ने इनका रास्ता काटा था, तो ये सब नहीं हुआ होता, हम कह देते हैं। भैया और भाभी, दया सर, आपका खानदान यहाँ कैसे आ गया? इन्हें कैसे पता चला कि आप यहाँ पर हैं? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कौन सा सवाल है? भाई है मेरा, सगा भाई है, दिल ने दिल को पुकारा, हम चले आए। ऐसा बचपन से है ये, लुका छुपी का खेल खेलता रहता था। ये छुप जाता था, मैं इसे ढूंढता था, कभी मैं छुप जाता था, ये मुझे ढूंढ लेता था। कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ भैया, आपके आशीर्वाद से और इन भले लोगों की सेवा से मैं ठीक हो गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे कैसे हो जाता? हाँ, भाभी आ गई है, अभी हम आपको करेले का काढ़ा पिलाएंगे, कद्दू का हलवा खिलाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक मिनट दया सर, ये कैसे हो सकता है? आपका तो कोई फोन लगा नहीं यहाँ से, और आप यहाँ से बाहर भी नहीं गए, तो फिर इन दोनों ने आपको कैसे ढूंढ लिया? पिताजी आप शांत रहिए, सीआईडी ऑफिसर के भैया और भाभी हैं ये। सीआईडी ऑफिसर के रहते रहते आपको भी सीआईडी गिरी घूस रही है। असल में यहाँ से जो तीसरी गली में फूलों की दुकान है, उसके बगल में जो पानी पूरी का ठेला है, वहां जो बहनी रोज आती है ना, उसके भतीजे के बीवी ने मुझे पूना में बताया। क्या बताया उन्होंने? कि ये यहाँ है? अरे नहीं, उसने बताया कि उसकी चचेरी बहन की जो मौसी की ननद है, उसकी बुआ ने दया को यहाँ पे देखा। और हम लोग भागते भागते यहाँ आ गए। अब जब तक देवर जी ठीक नहीं होंगे ना, हम यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। हम नहीं जाएंगे। क्या? क्यों नहीं? जब मैं आप लोगों का मेहमान हूँ, तो मेरे भैया और भाभी भी आप लोगों के मेहमान ही हुए ना। हाँ ठीक है, मेहमान नवाजी शुरू करिए, थोड़ा आराम कर लेते हैं भाई। चलिए चलिए चलिए, कमरा दिखाओ यार, कहाँ है? ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कमाल का खानदान है, हम लोग को देख के सांप सूंघ गया। आप सही कह रहे थे दया सर, कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं ये लोग, और इसलिए आपको यहाँ पर कैद करके रखा है, ताकि ताकि आप उसके तह तक ना पहुंच सके। ये जो लड़की अर्चना है, ये परिवार वालों से थोड़ी अलग दिख रही थी। हाँ, ये अर्चना थोड़ी अलग है, और ये पूरा परिवार थोड़ा अजीब ही है। मेरे होश में आते ही ये लोग अपनी कहानी सुनाने लगे कि कैसे ये लोग 6 महीने पहले ही यूएसए से यहाँ आए। चोर की दाढ़ी में तिनका, पहले ही सफाई पेश करने लगे ताकि तुम इनकी बातों पर यकीन कर लो। पर इनका नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चला, मुझे समझ में आ गया था कि ये लोग मुझे नशीली दवाइयां दे रहे हैं, जो मैं लगातार फेंक रहा था, और मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। ये हवेली ही सारे फसाद की जड़ है। इस हवेली की एक बार फिर से तलाशी लेनी होगी, इतने सारे लोग हैं, इनका क्या करें? परिवार वालों को हवेली से बाहर निकालने का इंतजाम करते हैं, फिर हवेली को छानते हैं। ऑफिसर, जो 5 लोगों के नाम हमने भेजे हैं ना, तो जल्दी से जल्दी बताइए, पिछले 6 महीनों में वो किसी भी फ्लाइट से अमेरिका से मुंबई आए थे क्या? हवेली में मिले नाखून और उस पे लगे खून की डीएनए रिपोर्ट सर। क्या, एक नाखून पर दो दो डीएनए की रिपोर्ट्स? एक आदमी का रिपोर्ट और एक औरत का?
तो क्या उस हवेली में दो दो लोगों पर जुल्म हो रहा था? हाँ। ऐसा तो नहीं कि ये दो लोग वही हैं जो पांच लोग हवेली में रह रहे थे, उन्हीं में से कोई? नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर एक साधा सीधा सा खरोंच भी होता ना किसी के शरीर पर तो अभिजीत दया तो बता ही देते हमको, उन्हें पता चल ही जाता। नहीं नहीं, ये खून किसी और का ही हो सकता है। कौन हो सकता है सर? उसका तो पता लगा ही लेंगे सचिन, पता लगा ही लेंगे। आप रेडी? पांच लोगों का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला? हाँ सर, ये देखिए, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है अर्चना का, इसका असली नाम डॉली है। और ये तो रिमांड होम में रह चुकी। मतलब सर, ये कोई खानदानी राजकुमारी नहीं, एक मुजरिम है। हाँ, तो डॉली से बनी अर्चना और अर्चना पहुंची हवेली में। एक का पता चली गया, चार का भी पता चल जाएगा। ये एविएशन सर्विलेंस, पता चल गया क्या? नागेश और उर्मिला दोनों के खून के बारे में हम आप लोगों से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। क्या पूछताछ करना चाहते हैं? देखिए, जब उर्मिला की मौत हुई तो उसने पुराने किस्म के खानदानी जेवरात पहने थे जो इस हवेली के थे। देखिए मैडम, हमारी हवेली में चोरी तो हुई थी, लेकिन हमें क्या पता कि हमारे हवेली में काम करने वाली हमारे गहने चुरा कर ले गई। कल रात को दो गुंडे आपके घर से निकलकर उर्मिला के घर पे गए थे और हमें वहां पर देखकर ही भाग गए। बताइए क्या करने गए थे वो लोग? देखिए सर, हम इज्जतदार लोग हैं, हम गुंडे नहीं पालते। अभिजीत, इस हवेली के पेपर्स। हवेली बेचने की तैयारी चल रही है। और भी ये जो लॉयर है ना, इसको फोन लगाओ जल्दी, अभी। वो गुंडे उर्मिला के घर जा रहे थे, या तो वो गुंडे बता सकते हैं या तो फिर उर्मिला, हम कैसे कुछ बता सकते हैं? नागेश की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, और नागेश ये भी जानता था कि उसकी बीवी उर्मिला का खून होने वाला है। अरे नागेश को अगर किसी ने गोली मारी है या उर्मिला के किसी ने गला काटा, इसमें हमारा क्या कसूर? अरे वाह 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 मिलन जी, आपको तो सब पता है, बहुत खूब। मगर हमने ये कब कहा कि उर्मिला की मौत गला काटने की वजह से हुई है? काम हो गया, तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। चलो सब लोग अपने अपने कमरे में चलो। अरे वकील साहब, आप ये कहां से आ गया? प्रॉब्लम होने वाली है, जल्दी करो, साइन करो और निकलो यहां से। पर अंदर दया ऑफिसर और उनका परिवार है, क्या फर्क पड़ता है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप जल्दी करो। अरे जल्दी करिए। रंजीत, श्यामली, क्या हुआ? पहचाना नहीं क्या? देख क्या रहा, साइन ले लो इनसे और भेज दो ये हवेली। इन्हें सब कुछ मालूम पड़ गया है कि कैसे आप लोगों ने मुझे और शामिली को यहाँ बांध के रखा था, और उन्हें यह भी मालूम पड़ गया है कि तुम इस हवेली के मालिक नहीं बल्कि बहुत बड़े जालसाज और धोखेबाज हो। देखते क्या हो, घूम डालो इन सबको। कोई गोलियां नहीं चलाएगा,
ये अपनी मौत खुद मरने वाले हैं। बहुत जल्द गोलियां खत्म हो जाएंगी। कहां भाग के जा रही है तीन देवियां? इस हवेली को बेचने की हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं अचानक कहां से इस हवेली के असली मालिक रंजीत और शामली टपक पड़े। इसीलिए हमने इन्हें हवेली में नजरबंद कर दिया। करोड़ों का मामला था, हमने सोचा कि हवेली बेचने से पहले कागजातों पर इनके ही साइन करवा लें। सालों से बंद पड़ी ये हवेली को हथियाने का नाटक हमने रचा। इतनी बड़ी हवेली हाथ से कैसे जाने दे? और फिर एक दिन इस डॉली की बच्ची ने तय ऑफिसर को उठाकर इस हवेली में ले आई। डॉली और अर्चना, क्या चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में? मैंने कुछ गुनाह में इन लोगों का साथ दिया, लेकिन मैं गुनाह के दलदल से निकलना चाहती थी। मुझे मालूम था कि ये लोग इस हवेली को बेचने की साजिश रच रहे हैं, और इन्हें डर था कि कहीं मैं अपना मुंह ना खोल दूं। इसलिए इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ मिला लिया। उस दिन ये कौन है? हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? उठिए प्लीज। जिंदा है, लगता है चोट के कारण बेहोश है। हेलो, ये तो सीआईडी ऑफिसर हैं। ऐसा करती हूँ, इन्हें अपने साथ ले चलती हूँ, शायद ये मेरी मदद भी कर पाए। मैं आपको इस हवेली में तो ले आई, लेकिन किसी को बताया नहीं कि आप सीआईडी ऑफिसर हैं। लेकिन एक दिन इस मिलिंद और इस जहानवी को आपका बैज मिल गया। दया सर, बहुत देर बाद हमें पता चला कि आप सीआईडी ऑफिसर हैं, इसलिए हम आपको इस हवेली से बाहर नहीं जाने देते। हमें डर था कि कहीं आपको हमारी असलियत ना पता चल जाए, और इसीलिए इलाज के बहाने जहरीली दवाई देनी शुरू कर दी। है? कहते हैं पराया धन पे नजर मत डालो, नुकसान अपना ही होता है। हवेली तो बिकने से रही, अब तुम सब जेल जाने की तैयारी करो। आता या हवेली याचे खरे मालक राहतील, रंजीत जी आणि त्यांची पत्नी शामली। डॉली, इस गुनाह को रोकने में तुमने हमारी मदद की, मगर कुछ गुनाहों में तुमने इनका साथ भी दिया, इसके लिए तुम्हें सजा भी होगी। तुम गुनाह का रास्ता छोड़ना चाहते हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सजा कम हो सके। अखिल, लेके जाओ इन्हें। यस सर। चलो चलो चलो। हेलो, क्या लाश मिली है? कहाँ? सर, इसे गोली मार दी गई। सर, ये एनवेलोप इसके पास से मिला है। क्रॉस लगा। काम तमाम कर दो इस स्ट्रॉबेरी का, आर्थर और विल्सन के शहर में जीपी पे जाकर।
सर इसका क्या मतलब? सर ये तो एक पहेली लग रही है, कहीं एक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं? हो सकता है, हो सकता है इस क्रॉस वाले आदमी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो इस जग्गी को। सर मगर ये दो फोटोज किसके हैं और इन्हें हम ढूंढेंगे कैसे? इसका जवाब तो मिलेगा विल्सन और आर्थर के शहर में, स्ट्रॉबेरी। विल्सन पॉइंट, आर्थर पॉइंट, स्ट्रॉबेरी, महाबलेश्वर, ये सब तो महाबलेश्वर में है। निखिल एक काम करो, ये तीनों फोटो ब्यूरो भेजो, इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। हम लोग यहाँ से महाबलेश्वर चलते हैं, देखे तो सही आखिर माजरा है क्या, एक खतरनाक खूनी का ही खून हो गया है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।